हेलो गाइस, वेलकम बैक। भाई अभी तैयार हो रहे हैं, शाम के 7 बज रहे हैं। टिम हॉर्टन्स खुल गया है वेगस में, तो वहीं जा रहे हैं, देखना है कैसा क्या है, क्या हाइप है इस चीज के राउंड। तो वहां पे आपको दिखाएंगे कैसा है। सेक्टर 14 में है वेगस मॉल, किसी को नहीं बताओ तो वहां पे टिम हॉर्टन्स खुला है बॉटम फ्लोर पे, मतलब ऑलमोस्ट स्टारबक्स के अपोजिट पे ही है, क्यों पता है कॉम्पिटिशन, तो वैसे भी खोला है। दिखाते आपको कैसा आज भाई भाई ने बाल सेट करे, अभी नहाया हूं भाई, क्योंकि नहाया नहीं था आज, मैं सुबह से टाइम नहीं मिला मेरे को, जिम से आने का दुकान पे जाना था, क्योंकि मम्मी जी की मेहंदी है, मम्मी मेहंदी करवाने गई, तो उनकी मेहंदी भी मैं दिखाता हूँ आगे, दिखाऊंगा क्योंकि पूरी पहले कलर आने दो। तो भाई अभी मैं और बहन निकल रहे हैं, जा रहे हैं हम अपना टिम हॉर्टन्स, ये देखो चल भाई चल, लूजर को साइड करते हैं, तो वही निकल रहे हैं, दिखाते हैं टिम हॉर्टन्स में क्या है। माता जी की मेहंदी बाद में दिखाएंगे, उधर दिख रही है मेरे को, पर दिखाऊंगा नहीं ब्लॉग में, तो मिलते हैं, बाय बाय। आपका टिम हॉर्टन्स वेट कर रहे हैं, देख यार के लेना ये ना, वीरा के लेना के है, ये आपके वाले एक्स्ट्रा जो है जो भी आप ले सकते हो, ये मिला हमें ऑर्डर करने के बाद, ऑर्डर में बजेगा जब आपका ऑर्डर आया, मेरे को तो पता भी नहीं था भाई ये सिस्टम होता है, सच बताऊँ तो। ये आ गया, बाकी बिल आपका ये है, अभी आपको दिखाते हैं बिल में क्या लिया, पहले खाना दिखाएंगे क्या है, फिर आपको साइड बाय साइड बिल भी दिखाएंगे। ये महारानी फोटो खींचने में लगी पड़ी है यार, बहुत कुछ खुल गया यार, उन्होंने बहुत चीज़ें खुल गई आपकी वेगस में, जैसे नायका का लक स्टोर खुल गया, एक दो स्टोर और खुले हैं ऊपर। ऑर्डर आ गया तो भाई हमने मंगाया था, ये है फ्रेंच वनीला लाटे है और ये डबल डबल लाटे है, ये आपका 5 मेल्टेड चीज़ सैंडविच है, चिप्स दिए साथ में थोड़े से, तो भाई ये आपका ऑर्डर है और ये आपका बिल बैठेगा पूरा, ये देखो भाई ये है आपका एग्जैक्ट अमाउंट हुआ आपका 893, और ये ऑर्डर था, ये आप देख सकते हो, टेस्ट करके देखेंगे कैसा है, बढ़िया लगे तो ठीक है, लेको वैसे भी ये चीज़ है ना, राज नहीं आते लोग, अपना घर का देसी खाने बढ़िया लगता है, तो देखते हैं टेस्ट कैसा लगेगा, पहले एक एक करके ट्राई करते हैं, पहले फ्रेंच वनीला ट्राई करेंगे, फिर डबल डबल लाटे ट्राई करते हैं, गर्म है मैं गर्म तो पीऊँ नहीं, थोड़ा ठंडा करके पीऊँ, पहले जो आपका लिखा है जो है फ्रेंच वनीला लाटे पहले ट्राई करते हैं, कड़वी सी है बहुत बेकार है, मतलब बेकार तो ठीक है, इतनी बढ़िया डबल डबल लाटे हैं, थोड़ी बेटर है डबल डबल लाटे, बढ़िया ज़्यादा कट रही है थोड़ी कम कट रही है, बस यही अंतर है थोड़ा भाई, बस यही अंतर है कि ये आपकी थोड़ी कम कड़वी है, थोड़ी ज़्यादा कड़वी है दोनों लाटे, पहली बात तो ये मैंने गलती कर दी कि दोनों लाटे ले ली, मैंने हॉट कॉफ़ी मांगी थी, उन्होंने मेरे को फ्रेंच वनीला कॉफ़ी दे दी, पता नहीं क्यों, बाकी फिर आपका ये खा चुके हैं ऑलरेडी, सैंडविच खा चुके हैं, सैंडविच देखते कैसा है, सैंडविच भाई आपका वैसे ही जैसा घर पे बना लो ना, इसके घर में माइक्रोवेव होगा उसे पता होगा, दो ब्राउन ब्रेड लेके उसमें दो तरीके की चीज़ मिला के सेम वैसे, कुछ अंतर नहीं है, पर भाई 900 रुपये के हिसाब से खाना नहीं मिल रहा, सर बताओ बात पैसे ही नहीं है, बात जो है आपके जो बजट नहीं है आपके 900 रुपये यहाँ पे, मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको अच्छा लग सकता है भाई, और वैसे मैंने दो ड्रिंक ट्राई करी है, कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करा, तो आप बोल सकते हो कि भाई दो ड्रिंक में तो किसी चीज़ को जज नहीं कर सकते, मेरे को पर्टिकुलरली ये दो चीज़ें अच्छी लगी, क्या पता मेरे को उनको और लेमनेड वगैरह और बहुत आते हैं पैशन फ्रूट वगैरह की ड्रिंक आती है, क्या पता वो पसंद आ गया, पर ये तो मेरे को भी ठीक है, सैंडविच फिर भी मैं बोलूँगा 5 out of 4 है, और ड्रिंक्स आपकी 5 out of 5 में से 2.5 दूंगा दोनों का, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, फ्रेंच वनीला को 2 दे दूंगा, इसे 2.5 दे दूंगा, बस और कुछ नहीं, बाकी खा खू के निकलते हैं, बाकी देखें यार कुछ इतना बढ़िया था नहीं, बाकी अगर आपको कैसा लगा टिम हॉर्टन्स कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर देना, बाकी आगे निकलते हैं ठीक है, बाकी वो भाई अंदर से खोल के सोता है आपका, इसमें वो कैफे कॉफी डे जैसा फूल बना रखा है, बाकी आपका एम्बियंस तो है यहाँ पे, अब पता ही क्या अभी बढ़िया तो इतनी लग नहीं रही, तो अब इसमें ना चीनी मिलाएंगे, चीनी लेके आएंगे, चीनी के पाउच और मिला के पियेंगे मेरे इसमें, क्योंकि यार कड़वी ना बढ़िया नहीं चीज़ अच्छी नहीं लगती कॉफ़ी, मतलब अच्छी लगती है पर इतनी कुछ ज़्यादा ही कड़वी है मेरे टेस्ट के हिसाब से, आदत हमें चाय वाली है तो भाई कैसे पी सकता है कॉफ़ी, बट आई ट्राई देखा जाए, बोल रहे थे भाई क्या ये अच्छा करो तो उसका सली हुई तो मेहंदी वहंदी लग रही है ना, चलो भाई यहाँ पे मेहंदी वहंदी लग रही है, दीपक भैया काम नहीं कर रहे आज मैक में, ये आपका सेलिब्रेशन है उसका,
नेक्स्ट डे है और आज करवा चौथ है और मैं भूल गया था भाई कल रिकॉर्ड करना क्योंकि दिमाग में रहा नहीं। तो वो ये लो मम्मी बैठी है हाथ में भाई, ये मेहंदी है भाई मम्मी ने बनवाई है, पापा का नाम के लिए लिखवाया है। ये देखो ऐसी लग रही है आज, इनकी फोटो भी वैसे मैं इंस्टाग्राम पे तो डाल ही दूंगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बोलता भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो कंटेंट एक्स्ट्रा मिलेगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मम्मी की मैंने एक रील या फोटो डाल दी होगी, अगर आपने देख ली होगी तो बढ़िया, नहीं देखी होगी तो किसी और दिन दोबारा डाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यार मैं खा लेता हूँ, मेरे को भूख लग रही है, 9:30 बजे चांद आएगा, अभी तो शाम के 7 बज रहे हैं, तो देखते हैं 9:30 बजे चांद आएगा तो मिलते हैं। मैं खाना खा लेता हूँ जल्दी, बट खाने में आज मम्मी ने बनाया अपने हाथों का हलवा, कढ़ाई पनीर बाहर से मंगाई है, दही और रोटी है भाई, बहुत टेस्टी हलवा बनाती है मम्मी, खा लेते हैं भूख लग रही है, मम्मी के सामने खाएंगे नहीं इसलिए साइड में खा रहा हूँ। इधर एक चुईया खड़ी है, पता नहीं है, देखो ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा, ये देख रहे हो उधर भाग गई। तो भाई मैं खाना खाता हूँ फिर देखते अब क्या डालना है ब्लॉग में, ठीक है बाय बाय। हेलो गाइस वेलकम बैक, कुछ चीज़ बोलना था मैं भूल गया था, बट 4-5 दिन से थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी मेरी, जब टिम हॉर्टन्स गए थे उस दिन भी, इसलिए मैंने जो है हॉट कॉफ़ी ली थी, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह वो पैशन फ्रूट वगैरह वाली चीज़ें इसलिए ली थी क्योंकि मेरे को खांसी थी एंड फीवर अभी भी है, मेरे को खांसी अभी भी है, कोल्ड था, नोज ब्लॉक थी और फीवर था ना। आई नो बहुत लोगों को आजकल हो रहा है, थोड़ा वायरल चल रहा है, तो कोई डरने की बात नहीं, अगर किसी को हो रहा हो तो जस्ट इन केस तो भाई दवाई वगैरह लो, सब ठीक हो जाएगा, फेस्टिवल का समय है, केयर रख अपना, अपनी ना केयर रखो एंड घर वालों को भी केयर रखो क्योंकि यार तबीयत तो सही रहेगी तभी ढंग से एंजॉय कर पाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब नॉर्मल बात है, सब बढ़िया है। एंड अगले हफ्ते मंडे को है दिवाली है ना, अगले हफ्ते मंडे को दिवाली है एंड एक हफ्ते बाद अगला ब्लॉग आएगा, ट्यूसडे को आएगा तो फिर दिवाली का ब्लॉग भी आ जाएगा उसमें। तो एडवांस में मेरी तरफ से सबको, सबकी फैमिलियों को हैप्पी दिवाली मेरे दिल से, छोटी बड़ी दिवाली दोनों, और जो और भी फेस्टिवल्स है गोवर्धन वगैरह सब है, तो भाई उसका ब्लॉग आएगा अगले हफ्ते, वो दिखाएंगे दिवाली पे क्या करा क्या नहीं करा। और आई वुड से मैं तो पटाखे छुड़ाता नहीं, अगर हो सके तो प्लीज़ आप सभी पटाखे मत छुड़ाना यार, कुछ नहीं होता, अपने फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करो, खाना खाओ पियो मज़े करो, बातें करो, गेम्स खेलो यार, और क्या चाहिए, यही तो टाइम होता है फैमिली का अच्छे तरीके से स्पेंड करने का, बातें करने का। तो आई वुड रिकमेंड दैट, बाकी आप सबकी मर्ज़ी और आपसे समझदार हुई तो बस यही बोलना चाहूँगा। एंड तबीयत अभी ख़राब है बट इतनी नहीं है तो टेंशन मत लेना, तबीयत मेरी ठीक है, इतनी ख़राब नहीं है, बट हाँ हल्की फुल्की खांसी है वो आवाज़ से बता सकते हो। तो ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, या अभी ना करूँ ब्लॉग ख़त्म। बाय द वे अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियोज़ आ रही होगी भाई कहीं पर ऐसे ऐसे आ रही होगी, मेरे को पता नहीं कैसे करना है तो यहाँ पर आ रही होगी स्क्रीन पर, तो कृपया जाके वो भी देख लीजिए यार, क्योंकि मेहनत करता हूँ, कॉन्टेंट बनाता हूँ, अच्छा लगे तो कर देना, ना लगे तो फिर भी शेयर और लाइक तो कर ही देना भाई, क्योंकि यार तुम इंसान हो मैं इंसान हूँ, चलो कोई बात नहीं, क्या ही बोल रहा हूँ, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं ब्लॉग को, बाय बाय।